हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, है ना। मिरर फॉर्मूला से मीनिंग फॉर्मूला विच शोज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। ओके, तो स्फेरिकल मिरर के सामने ऑब्जेक्ट और इमेज और उसकी फोकल लेंथ में रिलेशन बताने वाले इस फॉर्मूले को हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं, है ना। तो उसका हम आज डेरिवेशन देखेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, चलिए, है ना। तो मिरर फॉर्मूला जो क्या हो जाएगा, ठीक है, हम फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं एफ से, ठीक। तो 1/f इक्वलेंट टू 1/u प्लस 1/v से, जहां u होगी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ v होगी डिस्टेंस ऑफ इमेज। ओके, नेक्स्ट अब हम इसका प्रूफ देख रहे हैं फॉर ए कॉनकेव मिरर, है ना। तो यहाँ रे डायग्राम हमने उसका शो किया है जो, ठीक। तो रे डायग्राम हम समझे पहले, ऑब्जेक्ट से इमेज बनते हुए हम दिखा रहे हैं। ओके, तो M1 M2 हमने दे दिया कॉनकेव मिरर। ओके, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ठीक है, और ए बी से इमेज बनते हुए हमें दिखाना है। तो दो लाइट रेज हमने ली है, पहली लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, उसके फोकस से। ओके, दूसरी लाइट रेज जो कहां से जाते हुए इंसिडेंट हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये विदाउट डेविएशन उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है ना। तो ये दोनों लाइट रेज कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, पोजिशन इस पोजीशन पे, ना। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी जो कि इन्वर्टेड होगी, ए डैश बी डैश हमने उसको इंडिकेट किया है। ओके, तो ये था उसका रे डायग्राम। अब हमने यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हम करते हैं कि जो पॉइंट है ना, लाइट रेस ए बी जहाँ इंटरसेक्ट हुई, इंसिडेंट हुई है, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्या, डी, है ना। मिरर की जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है डी, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, कहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पे जो कहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसको, पॉइंट एन पर, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और वही सारी डिस्टेंसेस इससे रिलेटेड, ठीक है। पीएफ, ये पीएफ क्या हो जाएगा, है ना, फोकल लेंथ। ओके, और इस और है तो किसमें लिखी जाएगी, नेगेटिव में, ठीक है। ये यहां से यहां तक क्या हो गया, ये इमेज, और इमेज से मिरर तक की डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ओके, जिसे हम इंडिकेट करते हैं किससे, माइनस वी से, इधर की ओर है तो माइनस साइन लिया जाएगा, है ना। फिर इसी तरह से यहाँ पर ये, ठीक, माइनस यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ओके, और ये पीसी, पीसी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, माइनस आर, है ना। ये सारे पैरामीटर हमने यहाँ नीचे भी लिख दिए। ओके, अब हमें ये प्रूफ करना है, तो इस प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ओके, अब हमें पता है यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज को हम मिरर के सामने जितना आगे पीछे खिसकाते हैं, उतनी ही इमेज भी क्या होगी, अपनी पोजिशन से डिस्प्लेस होगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर जितने भी बनने वाले ट्रायंगल हो गए, ऑब्जेक्ट इमेज और इनसे, वो सिमिलर ट्रायंगल हो गए, है ना, क्योंकि वो सेम एंगल, लगभग सेम एंगल को शेयर कर रहे हो गए, ठीक। तो अब यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट हम देखें, है ना, हमें प्रूफ करना है इस रिलेशन को, तो हम सिमिलर ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब सिमिलर ट्रायंगल, हम कितने ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास इस डायग्राम में, तो हमारे पास चार ट्रायंगल बन रहे हैं। पहले फोकस करें किस पे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बन रहे, है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से दो ट्रायंगल बन रहे। ओके, फिर दो ट्रायंगल किससे बन रहे हैं, फोकस से, है ना, 3 और 4, ठीक। तो बस इन्हीं ट्रायंगल में हमें क्या लगानी है, सिमिलर ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट, और उसी के बेस पे हमारा पूरा डेरिवेशन इजीली हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट, पहले फोकस करें किस पर, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल जो किससे बन रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं इन सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल जिनका नाम हम ले रहे हैं ए बी सी, ये वाला ए बी सी। ओके, एंड
ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ये वाला है ठीक है, ए डैश बी डैश सी। अब सिमिलर ट्राइंगल की किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड का रेशियो कैसा होता है, सेम होता है ना, तो ही हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो मैं यहां वर्ड में लिख भी देता हूं ठीक है, परपेंडिकुलर है ना, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड है, परपेंडिकुलर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल ओके अपॉन में परपेंडिकुलर ऑफ सेकेंड ट्राइंगल ठीक है। फिर नेक्स्ट ये इक्विवेलेंट हो जाएगी किसके, बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल एंड बेस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल ठीक है। ये हमने हमारे समझने के लिए पर वर्ड में लिख दिया है ना, तो बेस परपेंडिकुलर ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा ये भी, और परपेंडिकुलर ऑफ सेकेंड ए डैश बी डैश है ना, फर्स्ट हमने किसको माना है ए बी सी को, सेकेंड ए डैश बी डैश सी को, तो ये हो जाएगा ए बी है ना, और सेकेंड का ए डैश बी डैश ठीक है। फिर बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, फर्स्ट का बेस क्या होगा ठीक है, ये सी बी या बी सी है ना, मतलब सी बी भी लिख सकते हैं बी सी भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर ये होगा जो कि नाम आप कैसे लिखे उसके साइड के, उस पॉइंट का नाम पहले लिखे जो किसकी ओर आता है, पोल की तरफ पहले आता हो है ना, इससे हमें चीज आगे आसानी होगी है ना, मतलब हम इसको बी सी भी लिख सकते हैं है ना, सी बी भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका ये रहेगा कि उस पॉइंट का नाम पहले लिखे जो पोल की तरफ हो ओके। तो यहाँ सी बी हम लिखेंगे इसको ठीक है, तो सी बी ठीक है। नेक्स्ट यहां पर इसका बेस है ना, सेकेंड का बेस क्या हो गया, बी डैश सी डैश सॉरी बी डैश सी है ना, ये हो गया हमारे पास, इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर सिमिलरली इन अगेन है ना, दो ट्राइंगल हम और ले रहे हैं इन सिमिलर ट्राइंगल ठीक है, जो अब किससे बनने वाले हैं ध्यान दीजिए, फोकस से है ना, फोकस से दो कौन से बन रहे हैं, बी एन एफ है ना, ये ऐसे डी एन एफ है ना, डी एन एफ ओके, एंड दूसरा है ए डैश बी डैश एफ, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ ठीक है, ये है ना सेम, इसमें भी वही कौन सा परपेंडिकुलर ऑफ फर्स्ट परपेंडिकुलर ऑफ सेकंड, अब हम इसमें डायरेक्ट लिख रहे हैं परपेंडिकुलर ऑफ फर्स्ट क्या है डीएन ओके, परपेंडिकुलर ऑफ सेकंड क्या है ए डैश बी डैश ओके, और बेस ऑफ फर्स्ट क्या है एन एफ ओके और एन एफ ठीक। फिर इसका बेस क्या है ये वाले का ए डैश बी डैश का एफ बी डैश ओके एफ बी डैश ठीक। अब बाय कंस्ट्रक्शन है ना, हम क्या लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन या फ्रॉम फिगर ठीक है, क्या होगा हमारे पास ये जो डीएन है वो इक्विवेलेंट है किसके है ना, डीएन इक्विवेलेंट टू ए बी ठीक है, तो डीएन डीएन इक्वल टू ए बी ओके। और नेक्स्ट जब यहां पर जो ये जो पॉइंट पी है ना और पॉइंट एन, ये दोनों बिल्कुल कैसे होंगे, बहुत पास में होंगे बहुत क्लोज होंगे, तो एन एफ को हम किसके इक्वलेंट ही लिख सकते हैं पी एफ के इक्वलेंट ठीक है। तो यहां लिखते सिंस पॉइंट इफ पॉइंट पी एन एन आर सो क्लोज, अगर ये बहुत पास पास में है तो हम क्या लिखते हैं यहां पर एन एफ ठीक है, एन एफ को इक्वलेंट लिखते किसके पी एफ के ठीक। तो हम यहां से हमारे पास डीएन की वैल्यू और एन एफ की वैल्यू आ गई, तो आप डीएन और एन एफ की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे, तो डीएन को हम क्या लिख सकते हैं ए बी है ना, और इसको ये तो एज इट इज एन एच बी डैश है ना, एन एफ को क्या लिख सकते हैं पी एफ ओके, और
एंड बी डैश, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब यहां से है ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम कंपेयर करें, उनको देखें, तो उनकी दोनों की LHS हमें कैसी दिख रही है, सेम दिख रही है। तो दोनों को कंपेयर करने पे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर CB इक्वलेंट हो गया किसके, बी डैश सी डैश के। ठीक, CB इक्वल अपॉन बी डैश सी डैश, बी डैश सी इक्वलेंट हो गया किसके, ई एफ एफ बी डैश के। ओके, अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज हम रखने पड़ेगी, जो पी एफ सी बी इनकी है ना, तो ध्यान रखिए कि हमारे पास वैल्यूज है ना, वैल्यूज कौन किसकी होगी, ठीक है, समझने के लिए चाहिए से कि जो है ना टर्म पी से स्टार्ट हो रहा है ना, जो साइड पी से स्टार्ट होती है केवल हमारे पास उसकी ही वैल्यू होगी, बाकी की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली नहीं होगी, लेकिन हम उसे फिर एडजस्ट करके, हम उसे इंटरमिटेंट करके लिख सकते हैं। ओके, जैसे अब यहाँ पर देखना, सी बी की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली नहीं है, है ना, यहाँ पर सी बी की वैल्यू जो ये नहीं है हमारे पास, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं, हमारे पास किसकी वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ओके, किसकी वैल्यू है, पी बी की है ना, पी बी है हमारे पास, पी बी माइनस पी सी है ना, पी बी माइनस पी सी, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये सी बी मिल जाएगा। ओके, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, सी बी को क्या लिख सकते हैं, पी बी माइनस पी सी, ठीक है, पी बी माइनस पी सी, ठीक, नेक्स्ट है ना, और अब अगला पॉइंट जो बी डैश सी, बी डैश सी को भी क्या लिख सकते हैं, है ना, ये बी डैश सी को भी क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश, ओके, पी सी माइनस पी बी डैश, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पी एफ, पी एफ तो हमारे पास है डायरेक्ट, फोकल लेंथ है ये, इसको एडिटिंग करने देखें, है ना, नेक्स्ट कौन है, एफ बी डैश, ओके, तो एफ बी डैश की वैल्यू क्या होगी, फिर से एफ बी डैश को ऐसे लिखेंगे, पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ, ओके, पी बी डैश माइनस पी एफ, ठीक है। अब यहां से जो ये तो हमने एक चीज ध्यान रखना है ना, हमने ये डायग्राम को देखकर उनको माइनस प्लस करके लिखा है ऐसे ऐसे, लेकिन ठीक है, इसका शॉर्ट ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना, पहले तो साइट जो हमारी साइट्स के आप जो नाम लिखोगे बेस के, इसके क्या तरीका बताया हमने, उस पॉइंट का नाम पहले लिखना जो पोल की तरफ आता हो, है ना, जैसे हम इस बी सी को, हम इस साइट को बी सी भी लिख सकते थे, लेकिन हमने सी भी लिखा, इसका फायदा क्या है, हम यहाँ देखना है ना, तो जैसे अभी हमने सी बी को क्या लिखा, फिगर में देख के लिखा, पी बी माइनस पी सी, लेकिन हमें इतना भी करने की जरूरत नहीं है, अगर हम ये रूल लगाएं, ये रूल याद रखें कि पहले उस पॉइंट का नाम लिखे जो पोल की तरफ आ रहा है, तो फिर हमें यहाँ इनको एडजस्ट करने के लिए, इनकी वैल्यूज ब्रेक करके लिखने के लिए फिगर देखने की जरूरत नहीं, सीधे क्या कर दो कि जो सेकेंड पॉइंट है ना, सेकेंड पॉइंट कौन है, यहाँ बी है, तो पी बी माइनस पी सी, ओके, पी बी माइनस पी सी, ठीक है, सारी वैल्यूज पी से स्टार्ट होगी, तो पी बी माइनस पी सी, ठीक, फिर इसमें भी पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश, ओके, ये लिखा होगा, है ना, फिर इसी तरह से पी बी डैश माइनस पी एफ, ओके, तो ये हमें फिगर देखने की जरूरत नहीं होगी कि हम किसको क्या करके लिख सकते हैं, एडजस्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आप ध्यान के रखिएगा कि जो पॉइंट यहाँ जब साइड के नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि जो पॉइंट पहले पोल की तरफ आ रहा है पहले उसका नाम यहाँ लिखना चाहिए ना, तो ठीक है, ये रहा आपको, अब इनकी वैल्यूज रख दे और सिंप्लीफाई कर दे, तो वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी, पी बी की वैल्यू, पी बी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस क्यू है ना, पी सी, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आर है ना, पी सी माइनस आर, पी बी
ये माइनस और पी बी डैश क्या है माइनस वी डिस्टेंस ऑफ, ये सब लिखना है डिस्टेंस ऑफ इमेज है ना। फिर पी एफ क्या है माइनस है, पी बी डैश क्या है ठीक है माइनस वी, और पी एफ क्या है माइनस एफ ठीक है। अब यहां से पूरा जो मैथमेटिकली है इसे हम हमारे अकॉर्डिंग जैसा सॉल्व करना चाहे वैसा कर सकते हैं ठीक है। साइन इंटर प्लस माइनस करना या डायरेक्ट सॉल्व करना है जैसा भी ओके। तो ये देखना माइनस माइनस आर प्लस हो जाएगा, आर को प्लस में आगे लिख देना है ना, फिर ये माइनस यू ठीक, फिर ये वी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर माइनस आर ठीक है, इधर माइनस एफ एंटिटीज रहने दे, ये एफ प्लस हो जाएगा आगे लिख दिए इसे है ना, और ये वी ऐसे ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे है ना, तो आर माइनस यू ठीक है क्या हो जाएगा ओके, ये एफ माइनस वी आर माइनस यू ठीक है, इधर आ जाएगा माइनस एफ वी माइनस आर से ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ जो मल्टीप्लाई करते चले तो क्या होगा, एफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ आर माइनस ठीक है यू एफ यू ओके, ये यू एफ जो लिख रहा है ना, फिर ये वी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस वी आर ठीक है, फिर माइनस और माइनस प्लस ये हो जाएगा प्लस यू ठीक है। अब इधर माइनस एफ ई ओके प्लस एफ आर है ना ये। अब यहां से हमारे पास जो पहले तो देख ले ये एफ आर और ये एफ आर है ना, ये उधर तो सर दोनों सेम साइन है डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा है ना, यहाँ बचाओ एफ यू माइनस वी आर है ना प्लस यू ई माइनस एफ वी ठीक है। नेक्स्ट हम यहां से ठीक है आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं, सिंस आर इज इक्वल टू टू एफ फोकल लेंथ का डबल है ना, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर एफ यू ठीक है माइनस वी, और ये आर की वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा ठीक है, ये आर की वैल्यू टू एफ ठीक है प्लस यू वी माइनस एफ वी ठीक माइनस एफ यू है ना, स्टेप बाय स्टेप हम लिख रहे हैं ये माइनस टू एफ प्लस यू वी इक्वल टू माइनस एफ वी ठीक है। और अब यहां से ये एफ वी है ना, एफ वी वाले दो टर्म आते हैं हमारे पास एफ यू और एफ वी, तो इसको हम ट्रांसपोज कर सकते हैं है ना, तो क्या हो जाएगा एफ यू और एफ वी को ट्रांसपोज करने पे माइनस एफ यू इधर हो जाएगा यू वी है ना, और ये इसको ट्रांसपोज करोगे माइनस एफ वी प्लस टू एफ वी ठीक, तो बचेगा एफ यू प्लस यू वी माइनस एफ वी ओके, ये टू एफ वी है ना, तो यहाँ बचेगा प्लस एफ वी। अब यहां से इस इक्वेशन हम डिवाइड कर देंगे वन डिवाइडिंग बाय यू वी एम इन बोथ साइड है ना, हम इसे इस फॉर्म में लाने के लिए यू वी एफ से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये माइनस एफ यू यू वी एफ ठीक है, ये यू वी एफ इधर एफ वी यू वी एफ ठीक है, क्या क्या बच जाएगा यहाँ एफ यू कैंसल एफ है ना, यहाँ से कैंसल, यहाँ बचेगा वन बाय वी ओके, और फिर यहाँ बचेगा यू वी कैंसल वन बाय एफ, और यहाँ एफ यू कैंसल वन बाय यू ओके, तो ये वन बाय वी का ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे फिर है ना, यह जाएगा इसका ट्रांसपोज करने के बाद वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी से है ना, ये हमें प्रूफ करना था रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ओके ओके, तो अब हम इसका मिरर फॉर्मूले का प्रूफ देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, है ना। मतलब अभी हमने कॉन्केव मिरर के लिए प्रूफ किया है, अब हम इसी को कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मान लिया M1, M2 कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। P जिसका पोल है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, ले डायग्राम समझे पहले। ऑब्जेक्ट रखा है ये भी, तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली दो लाइट रेस, पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, जैसे कहां से आ रही हो, इसके फोकस से, ओके। तो ये फोकस पर इंटरसेक्ट करेगी, ओके। फिर नेक्स्ट दूसरी लाइट रेस जो है, जो किस तरह से इंसिडेंट हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती हुई इंसिडेंट हो रही है, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती हुई इंसिडेंट हो रही है, तो वो विदाउट डेविएशन उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगी, है ना। तो ये दो लाइट रेज हो गई हमारी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती हुई अपेयर हो रही थी, ये उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगी। तो इन दोनों को पीछे एक्सटेंड करने पर ये हमें कहां मिलते हुए दिखाई देगी, ए डैश बी डैश, इस पोजीशन पर इमेज बनाएगी, ओके। तो यहाँ इमेज बनेगी ए डैश बी डैश पे, जो किसी होगी वर्चुअल होगी और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इरेक्टेड होगी, ठीक है। अब यहाँ से है ना, हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं हम पॉइंट डी से, ठीक है, मिरर के पॉइंट डी से जहां पर लाइट इंसिडेंट की है, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिसका नाम हमने दिया है डी एन, ओके। अब सेम वही पैरामीटर जो यहाँ लिखे हुए है, ठीक है, पी एफ क्या हो जाएगा ये, है ना, पी एफ ये फोकल लेंथ हो जाएगी, है ना, पॉजिटिव होगी इस बार, और दूसरा पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, पॉजिटिव आर होगी, ठीक है। फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये माइनस यू रहेगी इधर साइड में है तो, है ना, और फिर पी बी डैश, ठीक है, पी बी डैश डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। तो ये वैसे यहाँ ड्रॉ नहीं भी किया है, तो यहाँ सब हम लिख चुके हैं ऊपर, है ना, तो ये सब वही डिस्टेंस रहेगी, ठीक। अब सेम इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल वाली, तो इसमें भी हम पहले दो ट्राइंगल देखेंगे, है ना। पहले ऐसे याद रख ले, पहले दो ट्राइंगल कौन से देखना है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बन रहे हैं, है ना, फिर दो ट्राइंगल कौन से देखने हैं जो फोकस से बन रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल किससे बनने वाले देखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक को बनाएगा ऑब्जेक्ट बनाएगा, दूसरा ट्राइंगल कौन बनाएगा, इमेज बनाएगी ना। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू बनने वाला पहला ट्राइंगल कौन हो गया, ए बी सी, है ना, ये ए बी सी फर्स्ट ट्राइंगल, ठीक है। फिर दूसरा ट्राइंगल ऑब्जेक्ट इमेज के थ्रू बनने वाला ए डैश बी डैश सी, है ना, ये, ठीक है। हमने ये लग नहीं किया है, पहले डेरिवेशन वाला आधा लगभग जो दोनों में सेम कॉमन चीज आती है ना। तो ये आ गया हमारे पास, फिर इसमें भी वही कौन से परपेंडिकुलर ऑफ फर्स्ट, परपेंडिकुलर ऑफ सेकेंड, ठीक है, बेस ऑफ फर्स्ट और बेस ऑफ सेकेंड, इनका रेशियो, ठीक है। तो ए बी पहले का परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, है ना, दूसरे का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश लिखा है। फिर पहले का बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना, बी सी लिख दो या सी बी, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने क्या, सी बी, और ठीक है दूसरे का बेस, है ना, दूसरा ट्राइंगल कौन सा हमारा, ठीक है, ए डैश बी डैश सी। तो दूसरे के बेस को हम क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी, ओके, बी डैश सी ये लिखा है ना। फिर नेक्स्ट इसी तरह से सेकेंड और दो ट्राइंगल जो हम लेंगे, जो किससे बन रहे हैं, फोकस से। तो फोकस से बनने वाले दो ट्राइंगल कौन हो गए, डी एन एफ, डी एन एफ, तो डी एन एफ, एन दूसरा ए डैश बी डैश एफ, ओके, ए डैश बी डैश एफ, सेम इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का परपेंडिकुलर कौन हो गया, डी एन, दूसरे का परपेंडिकुलर हो गया ए डैश बी डैश, है ना। पहले का बेस, अब पहले का बेस क्या हो जाएगा, ये एन एफ, ओके, ये डी एन एफ ऐसा बना हमारा, है ना, डी एन एफ। तो पहले का परपेंडिकुलर डी एन, बेस कौन हो गया एन एफ, ठीक है, ये। फिर दूसरे का बेस कौन हो गया, बी डैश एफ, ओके, बी डैश एफ। तो यहाँ एफ बी डैश लिखा है, इसे बी डैश एफ कर देते थे ताकि हमें आसानी हो आगे,
ओके तो ये आ गया यहाँ तक सेम रहेगा जैसा कॉनके वाले में था, है ना। फिर बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से डीएन, ओके डीएन इक्वल है किसके, एबी के फिगर से, है ना। और दूसरा कि पॉइंट पी और एन क्लोज हो तो पी एन एफ को हम किसके इक्वल नहीं लिख सकते हैं, पी एफ के, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज यूज होगी, तो यहाँ पर डी एन को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, ए बी से, ठीक है। और ए डैश बी डैश फिर इधर एन एफ को रिप्लेस कर दिया पी एफ से, अपॉन में क्या है यहाँ पे बी डैश एफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो, ठीक है, दोनों को तो अगर हम कंपेयर करें दोनों की इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, तो वही बात आएगी सी बी अपॉन बी डैश सी डैश इक्वलेंट होगा किसके, पी एफ अपॉन बी डैश एफ के, ओके। अब यहाँ पर क्या कहा हमने कि हमारे पास वैल्यू सिर्फ उनकी होगी, उन साइड्स की होगी जो पी से स्टार्ट होते हैं ना, ठीक है। और जो दूसरी हमारे पास है इनकी वैल्यू डायरेक्टली नहीं होगी, लेकिन हम उन्हें एडजस्ट करके लिख सकते हैं, ओके। तो सी बी, सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, है ना। अब वो फिगर देखे जो बार बार है ना, या फिर वही कहा, तो सी बी, सी बी मतलब यहां से यहां तक टोटल, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं पी बी, क्या लिख सकते हैं पी सी, या लिख सकते हैं पी सी प्लस पी बी, ओके। क्या लिखते हैं पी सी प्लस पी बी, है ना। सी बी को लिखा जा सकता है पूरे को पी सी प्लस पी बी, ओके। अब बी डैश सी, है ना, अब बी डैश सी फिर वही बात आएगी कि यहाँ फिगर से समझे पी सी माइनस पी बी डैश, या फिर क्या ही कहा था मैंने कि जो लास्ट वाला नंबर है, है ना, वेल पॉइंट है पी सी, उसमें से फर्स्ट एस लिख दे, है ना, ठीक है, पी के साथ। फिर इको इधर पी एफ की वैल्यू तो होगी, इसे एडिटिव रहने दे, है ना, बी डैश एफ, ये बी डैश है। अब बी डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पी बी डैश, या पी एफ माइनस पी बी डैश, ओके। ये आ गई अब इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, है ना। तो पी सी कितना है, पी सी है रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आर, ओके। फिर नेक्स्ट जो अगला है पी बी, ओके, तो पी बी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस यू, तो यहाँ पे, ओके। फिर पी सी, पी सी हो जाएगा हमारे पास वही आर, फिर माइनस पी बी डैश, पी बी डैश क्या है, ये पी बी डैश है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ओके, तो ये है वी, ठीक। फिर पी एफ ये होगा ठीक है, फोकल लेंथ, पी एफ फोकल लेंथ माइनस पी बी डैश क्या है वी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वैल्यू, ठीक है। और फिर यहाँ पर फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करें, है ना, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं आर जो प्लस और ये माइनस, है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये लिख दे, है ना, एक स्टेप कम हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब फिर ट्रांसपोज करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा यहाँ पर एफ बी इंटू आर माइनस यू, इधर एफ ओके आर माइनस बी से, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करते चले, है ना, ये होगा एफ आर ठीक माइनस यू एफ, ठीक है। फिर वी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस वी आर प्लस यू वी, ठीक है, यू आर वी, ये हो जाएगा एफ आर, है ना, माइनस एफ वी, ठीक। तो इधर एफ आर सी एफ आर कैंसल, इधर बचेगा माइनस यू एफ माइनस वी आर प्लस यू वी माइनस एफ वी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां से तो फिर से वही आर की वैल्यू पुट करेंगे हम, सिंस आर इज इक्वल टू टू एफ, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, है ना, तो ये यू एफ इधर वी टू एफ, ठीक है, प्लस यू वी माइनस एफ वी,
ठीक है, फिर माइनस यू एफ और ये माइनस टू एफ भी हो जाएगा प्लस यू वी माइनस एफ वी, ठीक है। फिर ये एफ वी वाले टर्म्स सेम आ गए, ट्रांसपोज कर दे माइनस यू एफ और इधर बच जाएगा यू वी, ठीक है। इसको इधर ट्रांसपोज कर दे तो ये माइनस एफ वी और ट्रांसपोज करने के बाद इधर हो जाएगा प्लस टू एफ वी से, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है ना यू एफ कितना आ जाएगा यहाँ यू एफ एज इट इज यू वी और इनको क्या कर दे माइनस हो जाएंगे तो बचेगा एफ वी, ठीक है। फिर ये वैसे ही ऑन डिवाइडिंग बाय यू वी एफ इन बोथ साइड है ना, मतलब यू वी एफ के मल्टीप्लाई से हम डिवाइड कर दे रहे हैं तीनों में इस फॉर्म में लाने के लिए, तो ये यू एफ यू वी एफ, ओके यू वी यू वी एफ इधर एफ वी यू वी एफ, ठीक। फिर यहाँ जो कैंसल होने के बाद मिल जाएगा यू एफ कैंसल, यहाँ बचेगा माइनस वन बाय वी, फिर यू वी कैंसल वन बाय वी इधर वन बाय यू है ना, तो वन बाय एफ वन बाय यू ट्रांसपोज कर देते हैं इसका वन बाय वी, ये रहेगा प्रूफ ऑफ मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है।